बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अरबी की कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। अरबी, इसे देसी जवान में गुइया भी बोलते हैं, तो अरबी की मज़ेदार रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम गैस पे कढ़ाई चढ़ा देते हैं और इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल को तो हम थोड़ा हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे। पहले तेल को हम गर्म होने करेंगे। तेल हमारा माशाल्लाह गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच अजवाइन डालेंगे और 1 छोटा चम्मच जीरा और थोड़ी राई के दाने बघार के लिए हम डालेंगे इसमें। इसको थोड़ा सा हम चला देंगे और इसमें अब हम अपनी अरबी शामिल करेंगे। हमने इसको गोल स्लाइस में काटा है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसा चाहें वैसा काट सकते हैं। अरबी को थोड़ा सा हम चलाएंगे और थोड़ी हल्की फ्लेम करेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमें नहीं पकाना है, नहीं हमारी अरबी जो है वो कढ़ाई में लग जाएगी, थोड़ा जल जाएगी। अब इसमें हम एक दरमियाना साइज़ का टमाटर शामिल करेंगे। इसको हम थोड़ा सा चला देंगे और इसमें अब हम थोड़ा सा प्याज शामिल करेंगे। बस ज़्यादा नहीं, बस 1 छोटी गंठी। इसमें अब हम 1 बड़ा सा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। ये हमारा बड़ा चम्मच नहीं, इसलिए मैं 2 चम्मच डाल रहा हूँ। बस इसको थोड़ा सा हम चलाएंगे। माशाल्लाह ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। और हमारे जिन भाइयों को शिकायत रहती है कि अरबी की सब्ज़ी मुझे नहीं अच्छी लगती है, लेकिन एक बार ये सब्ज़ी खाएंगे अगर, तो आप ये बात कहना भूल जाएंगे कि अरबी की सब्ज़ी अच्छी नहीं होती है। अरबी बहुत अच्छी बनती है माशाल्लाह। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। बस हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। अब इसमें हम जो है 1 चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1/2 से थोड़ा कम लाल मिर्च शामिल करेंगे और उतनी ही मिकदार में हम हल्दी शामिल करेंगे और थोड़ा सा चाट मसाला शामिल करेंगे। हम मसालों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे और अब हम इसमें 1 चुटकी हींग शामिल करेंगे। हींग का काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, हींग को हम इसमें मिला देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे और हमारी अरबी ने भी थोड़ा सा पानी छोड़ा है। थोड़ा सा हम अरबी को गलाने के लिए हम इसे थोड़ा सा 4 से 5 मिनट ढाक के पकाएंगे हल्की फ्लेम पे। अरबी हमारी लगभग बनके तैयार हो चुकी है माशाल्लाह, बड़ा बढ़िया कलर आया। अब इसमें हम थोड़ी सी धनिया की पत्ती शामिल करेंगे। धनिया की पत्ती का एक अपना ही फ्लेवर है। धनिया की पत्ती के बाद में अब इसमें हम 2 कटे हुए मिर्चें शामिल करेंगे गार्निश करने के लिए। डिश हमारी तैयार हो चुकी है। ये माशाल्लाह हमारी जो डिश है वो बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। आप अरबी की रेसिपी को आप अपने घर पे बनाइए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं हमें कि आपको कैसा लगा। ये अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा और एक बार इसको अपने घर पर ट्राई करिए। ये परांठे और पूरी के साथ माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है। अल्लाह हाफिज़।